नीयत से लाने की भी नीयत है। हर चीज़ साइज़ भी बड़ा है, हर चीज़ जैसा पूरी है, छोटा है, वो ऐसा नहीं दे देंगे। पेट भर के अभी खा ले सकता है एक प्लेट में, यानी बिल्कुल मुतमईन हो गया। और मुतमईन हो गया, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रिजनेबल रेट से अच्छा माशा। पर तैयार हो गई इडली ना भैया, ये बड़ा है, अच्छा बड़े का है, ये है देखिए बड़े की मशीन, और यहाँ पर इंग्रीडियंट्स है, यानी एक दो और ये तीन, ये पकाने की चटनी की वस्तु इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर सारे आइटम्स हैं। अच्छा आटा पीसने का यही है आपके पास है, ये मशीन भी यहीं पे है, तो यानी हर चीज होममेड है नाजरीन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरियां बन रही हैं, बना रहे हैं, देखिए नाजरीन टिफिन तैयार हो रहा है। कितना बड़ा है देखिए, बिल्कुल जंबो साइज, और बहुत ही शानदार। और ये देखिए इसमें तेल कम है, यानी सेहत के लिए भी बेहतर। अब हम खाते हैं वड़ा और आपको देते हैं जायका। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार इडली नाजरीन देखे, मुलायम जो इसका नरम और जो टेक्सचर है काबिल तारीफ है। आप लोग खा रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर लोगों की आमद शुरू हो जाती है। और ये नाजरीन जब हो रिमझिम बारिश, खाने की होती है ख्वाहिश, अगर आइटम अत्ता हो तो करते हैं सताइश, लेकिन इसके लिए जरूरी है आजमाइश। तो सताइश, आजमाइश, ख्वाहिश और रिमझिम बारिश को साथ लेकर चलते हैं, और इस होटल के बनने वाले आइटम्स और यहाँ के लोगों के जायके का हम आपको इजहार करेंगे, बताएंगे अपने वीडियो के जरिए। आउटसाइड इट्स रेनिंग बट इनसाइड इट्स ईटिंग, रेनिंग एंड ईटिंग बोथ डजंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लैश, बिकॉज ईटिंग इज क्वाइट कंपल्सरी, इवन एटलीस्ट इन द मॉर्निंग एवरीवन प्रेफर्स टू हैव अ टिफिन, एंड दिस सीन कैन बी सीन एट द टिफिन सेंटर गोलनाका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी ये जो होटल है मलगी में देख रहा हूँ लोग काफी खा रहे हैं शौक से, जौक से जी। ये कब कायम हुई है? ये 28 साल हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह करीब में 30 साल भी होने वाले हैं जी। तो आपके पास क्या क्या मिलता है? इडली वड़ा पूरी मैसूर भाजी उपमा। अच्छा अच्छा, और आपके औकात क्या है, कब खुलती कब बंद होती है? सुबह 5 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, रोजाना आते हैं आप? कोई छुट्टी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन के दिन छुट्टी। अच्छा, इलेक्शन के दिन है? अच्छा अच्छा, अरे वाह, यानी आप बिल्कुल बेनिफिशियल भी हैं, साथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया नाजरीन, यहाँ पर सभी लोग टिफिन खाने की गर्ज से आए हैं, और यहाँ पर एक जेंटलमैन इज देयर, एंड लेट अस आस्क हाउ इज दिस टिफिन। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए कैसा है टिफिन? माशाल्लाह यहाँ का बहुत बहुत अच्छा है टेस्ट जी। अभी मैं मैसूर भजिया से खा था। अच्छा। हर चीज यहाँ पे आप खा सकते हैं नॉमिनल रेट में, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा। टेस्ट बहुत अच्छा है, एक बार एक्सपीरियंस आके आप लोग करिए यहाँ पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान है यहाँ पर, वालेकुम अस्सलाम, आपने क्या खाया भाई? मैं देखिए मैसूर भजिया खाया आज। अच्छा। हमेशा मैं पूरी वड़ा भी खाता हूँ यहाँ पे, हर कौन सी भी आइटम भी आप मजेदार रहती समझिए, आप आके बराबर ट्राई करना। दोनों भाइयों की है समझिए, बाजू पे आपको डोसा स्पेशली मिलता। अच्छा, यहाँ पे आपको सिर्फ पूरी बड़ा हर चीज गरम आइटम मिलती है आपको, सुबह 5 बजे से आप कभी भी आके खा ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं एक जहमत ये कहूँ कि आप 10 नंबर में कितने नंबर देंगे इनको? मैं 9 पॉइंट्स दूंगा। अरे वाह, क्या बात है,
कैलकुलेटेड रिव्यू है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हर आइटम यहाँ पे गर्म रहती है जी जी, मेन चीज यही है, तो इसीलिए मेरे पॉइंट इसलिए 9। बिल्कुल सही कहा आपने, टिफिन का मजा तो गर्म होने से आता है और आप बिल्कुल दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए नाज़रीन, बारिश के बावजूद लोग काफ़ी तादाद में आकर कोई खा रहे हैं, कोई पार्सल ले जा रहे हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ का टेस्ट बहुत ही पायदार है। देखिए नाज़रीन, बहुत ही जंबो साइज है ये पूरी का, हर जगह आप देखते हैं बिल्कुल कम होता है, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा साइज है। ये है देखिए पूरी का सारा। अब खाते हैं पूरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रीव की बात कभी ना हो अधूरी, तो खाते हैं पूरी। देखिए नाज़रीन, इसका साइज भी बड़ा है, इट्स बिगर दैन द नॉर्मल साइज, और बहुत ही खस्ता है, मुलायम है। हम लेते हैं एक जायका पूरी का, देखिए आप और ये बेसन, आलू बेसन का सालन है, देखिए लेते हैं, देखिए आप ये है मैसूर बच्ची और ये है बोंडा और ये है पूरी और चटनी और इधर बाजू इडली भी है। तो कहने का मतलब टिफिन का सारा इंतजाम है और बहुत ही जाम से सैयद अली भाई। ये बड़ा और ये देखिए सांभर, बेहतरीन मुलायम होते हुए भी एक क्रिस्पी अटैचमेंट है इस वड़े में। अच्छा इडली डाल रहे हैं भाई, आपका नाम? रविकांत। और थोड़े मलगी भी है, तो इस बात को जाहिर करती है कि लोगों की जरूरियात और टिफिन के लिए इस आला पैमाने पर काम होता है। इतने बड़े बड़े लोगों ने बहुत ही जम्बो साइज, लार्ज साइज, ये क्या है? ये है सांभर, इडली के साथ सांभर, वाकई ऐसा कॉम्बिनेशन है हर कोई खाता है। ये क्या बोंडे? मैसूर भज्जी। अच्छा अच्छा, वाकई देखिए इनका साइज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल होटल से काफी ज्यादा। तो नाज़रीन देखिए, वहां से शुरू हुआ किचन, बाजू स्टॉक रूम, इधर इडली का सांचा और इधर पूरी का सांभर और ये है मैसूर बच्ची। खाते हैं मैसूर बच्ची। नाज़रीन इसको चटनी ऑलरेडी लग गई, ऐसा लगता है कि ये मैसूर बच्ची खुद भी खाने के लिए बेचैन है। तो हम लेते हैं थोड़ी सी चटनी और, बहुत ही मौजूद और मुनासिब मैसूर बच्ची। पूरी भाई, पूरी कैसा है इसका टेस्ट? जबरदस्त है। नाज़रीन ये है देखिए गोलना का चौराहा, अगर आप इधर से आए तो फिर बाएं जानी पड़ती है ये भारत टिफिन सेंटर और ये उसका किचन, और अगर आप इधर से जाएं तो फिर आप 6 नंबर, तो यानी बिल्कुल मरकजी मुकाम पर वाक़ है ये भारत टिफिन सेंटर। आप देख सकते हैं लोग बिल्कुल मसरूफ कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा फुल है देखिए, बेहतरीन जायका। और नाज़रीन हम ये बैठकर खा रहे हैं तमाम किचन में, बहुत ही बड़ा किचन है आपने देखा, वो इसलिए कि नाज़रीन होटल में जगह नहीं है ठहरने, तो भाई अब हम खाएंगे कैसे? फिर लोगों की गड़बड़ और कस्टमर्स की आवक जावक की वजह से हमने इंतखाब किया इस किचन का जो बहुत बड़ा है। तो बेहतरीन टिफिन, शानदार टिफिन, यकीनन हर कोई एक बार खाएगा तो बार बार यहाँ आएगा, भारत टिफिन सेंटर, वन एंड ओनली टिफिन पैराडाइज।
और एक प्लेट बन गया। और ये बिल्कुल उनकी पूरी टीम पूरी तरह मशरूफ, बेहतरीन और उमदा पूरी इडली मैसूर बजी और वड़ा मिलता है। नाजरीन, हमने दुकान के मालिक से बात की, यानी सैयद अली भाई जो भारत टिफिन सेंटर के मालिक है, वर्कर्स से बात की और लोगों का रिव्यू लिया और खुद भी हमने तमाम आइटम्स खाए जो वाकई बेमिसाल और लाजवाब है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बरवक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़, गुड बाय।